अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल टेस्टिंग सर्विस। हम आज थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग पास पेपर चैप्टर वाइज सीरीज़ फ्रॉम द पास पेपर्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन की फर्स्ट वीडियो में जितने भी MCQs NTS में हैं वो डिस्कस करेंगे। अराउंड 15 to 16 MCQs वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग MCQs पार्ट टू वीडियो ऑन द ट्रांसपोर्टेशन उसमें अपलोड होंगे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है, उम्मीद है कि आपको हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो पसंद आई होगी। सो हियर वी गो विद अवर फर्स्ट MCQs। व्हाई डू सम रूट सेल्स हैव रूट हेयर्स? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सेल सैप, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल्स, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल सैप, टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर सेल न्यूक्लियाई, टू अलो मोमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। जो रूट सेल्स में रूट हेयर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। टू इन्हांस द ऑस्मोसिस प्रोसेस रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड एक इम्यूनिटी है जिसमें टी सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज नहीं बनती। तो टी सेल्स की तीन टाइप्स होते हैं, इसका एक नेमोनिक है HSC, आप इस तरह याद कर सकते हैं, हेल्पर साइटोटॉक्सिक सप्रेसर मेमोरी टी सेल्स जो है वो बनते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो तीन टाइप्स, तो टी सेल्स तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होते हैं, ह्यूमन इम्यूनिटी में नहीं होते, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होते हैं। तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, एंड मेमोरी सेल्स भी इसमें बनते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, तो ई होगा, नन ऑफ द अबोव। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। अब यहाँ पर देखें इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आपको ऊपर देखना है कि पूछ कह रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर। अब देखें कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा, तो फिर ये बिल्कुल करेक्ट है। ए तो ऑप्शन मतलब करेक्टली मैच कर रहा है। बी एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टू एट्रिया, तो बी भी करेक्ट है। हार्ट मर्मर द डिफेक्ट ऑफ द हार्ट वेव, ये भी करेक्ट है। डायस्टोल फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब देखें डायस्टोल इज नॉट अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, ठीक है। रिलैक्स, डायस्टोल वर्ड बदली रिलैक्स, फिलिंग होती है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती, डायस्टोल में डायस्टोल फेज में फिलिंग होती है। तो डायस्टोल यहाँ पर देखें फेज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बोल रहा है, तो ये गलत है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। ई राइट एट्रियम इन द डायस्टोलिक फेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना कैवा, सही है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ड्यूरिंग द डायस्टोलिक फेज। तो आपको पता है डायस्टोल फेज में फिलिंग होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द वेना कैवा इनटू द राइट एट्रियम, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच फीचर्स एनेबल द एओर्टा टू विथस्टैंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल? अब देखें जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब एओर्टा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर होते हैं इन द एओर्टा वो क्या करते हैं कि प्रेशर को विथस्टैंड करते हैं। और जब पर्सन एज करता है या कोई डिजीज़ होती है तो उसमें ये इलास्टिक फाइबर जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है थ्रू आउट द एजिंग प्रोसेस। तो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, करेक्ट ऑप्शन इज ए, जो एनेबल करते हैं या विथस्टैंड करते हैं प्रेशर को ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। व्हिच सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स इन द इम्यून रेस्पॉन्स? अब देखें मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स क्या है, एक इम्यून सेल्स है। जबकि कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो उस टाइम में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। मेमोरी सेल्स में दो सेल्स आते हैं, एक बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। अब जब वापसी इन्फेक्शन होगा तो यही सेल रिप्लीकेट करेंगे, अपना नंबर्स इंक्रीज करेंगे टू परफॉर्म द या टू गिव द क्विक रेस्पॉन्स, बी एंड टी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, वन एंड टू ऑप्शन। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपरेशन इज करेक्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है
73 का वो भी है, वाटर अराइविंग एट द स्पंजी मीजो सेल्स वाया द सिम्प्लास्ट पाथवे मस्ट मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन बिफोर एवाफोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल्स। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन हार्ट। अब देखें, हार्ट के डायग्राम पे काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, मतलब आते रहते हैं, तो अब हार्ट की डायग्राम जो है बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है, वेव्स किस जगह पर हैं, ब्लड किस तरह फ्लो करता है चैम्बर्स में। तो पहले आप लेबल डायग्राम आप देखें, देखें दो साइड होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। द राइट साइड इज़ मोस्टली कंसर्न विद मेनली कंसर्न विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड इज़ कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखें, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब पल्मोनरी आर्टरी है वेना केवा, वेना केवा एक सुपीरियर वेना केवा होती है, एक इन्फीरियर वेना केवा होती है। वेना केवा का काम क्या है, वेन का काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अब देखें, ये राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम। हार्ट इज़ बेसिकली फोर चैम्बर, ऊपर एट्रिया आते हैं, तो ए बी सी डी में ए ऊपर आता है पहले, तो एट्रिया ऊपर आते हैं। अब इस तरह याद रखें, एट्रिया ऊपर आएंगे, नीचे वेंट्रिकल आएंगे। अब ऊपर दो एट्रिया है, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम। अब नीचे दो वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखें, राइट साइड पे वेना केवा है, वेना केवा का क्या काम है, डी ऑक्सीजन ब्लड बॉडी से सारी बॉडी से लेकर आना इन द राइट एट्रियम। फिर क्या होगा, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में जाएगा ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो, ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आएगा फिर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, देन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एओर्टा ऑक्सीजन ब्लड विल बी पम्प थ्रू आउट द होल बॉडी, ठीक है। अभी अपने डायग्राम देखिए, अब डायग्राम में देखें पल्मोनरी आर्टरी देखें किस जगह लेबल्ड है, एओर्टा देखें किस जगह लेबल्ड है, एंड पल्मोनरी वेन भी देखें। तो ये लेबल डायग्राम आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लें, राइट एट्रियम है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में वेव्स हैं, देखें राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेव एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेव्स, पल्मोनरी वेन है एंड ऊपर एओर्टा है। अब आप क्वेश्चन रीड करें, देखें डायग्राम में क्या कह रहा है। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन हार्ट, एक राइट साइड है एंड एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड मैंने आपको बताया कि इज कंसर्न विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट साइड पे दो चैम्बर आएंगे, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, जिस तरह लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड पे राइट एट्रियम नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक वेल्व आएगा, उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे, ट्रैक का स्पीड में आर आता है तो आप उससे याद रखें इट इज़ ऑन द राइट साइड, सही है। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ऊपर एंड बीच में वेल कौन होगा, ट्रैक का स्पीड। अब लेफ्ट साइड पे आ जाएं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वेल्व होगा वो होगा बाइक का स्पीड, जिसे हम मेटल वेल्व भी कहते हैं। देखिए, वन पर क्या है पल्मोनरी आर्टरी एंड टू पर क्या है एओर्टा है, टू पर क्या है एओर्टा है। अब एओर्टा एंड वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होगा, वो सेमिलूनर वेल्व है, और पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होगा, वो भी सेमिलूनर वेल्व है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। व्हाट हैपेंस एज ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। अब देखिए, ब्लड जो है हार्ट से बाहर जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वो सेमिलूनर वेल्व ओपन होंगे साइमल्टेनियसली ऑन बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट। अब राइट साइड से जो ब्लड जाएगा वो लंग्स की तरफ जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और जो लेफ्ट साइड से ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू वो होल बॉडी की तरफ पंप होगा टू द टिश्यूज, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑन द लेफ्ट साइड। तो सेमिलूनर वेव्स क्या होंगे, ओपन होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, सेमिलूनर वेव्स विल बी ओपन एंड वेजल थ्रू विच द ब्लड पासिस टू द लंग्स। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द लंग्स। आप याद रखें, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डी ऑक्सीजन ब्लड टूवर्ड्स द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब एक मरतबा आप डायग्राम फिर देख लें। अब देखिए, ब्लड आएगा राइट एट्रियम में थ्रू द वेना केवा, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन सेमिलर वेव्स ओपन होंगे, देन ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टूवर्ड्स द लंग्स जाएगा। अब ब्लड जो है लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है ब्लड
सेमिनल वेंट ओपन होंगे, ब्लड जो एओर्टा में जाएगा एंड इट विल बी पम्प थ्रूआउट द होल बॉडी टुवर्ड्स द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में आपको पता है ब्लड जाएगा, उसमें ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। तो ये हर्ट की डायग्राम है, या आप एक मरतबा अगर बना लेंगे तो आपको ईजीली याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक और डायग्राम आप देखें, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हर्ट है, हर्ट ब्लड फ्लो चार्ट है। ऊपर देखें ब्लैक एरो, सुपीरियर इन्फे वेना के वजह से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, देन ट्रैक का फिर वेल ओपन होंगे और राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेल, जो कि सेमी लूनर वेल है, उसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, देन लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड, फिर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन ब्लड होगा वो एओर्टा में आएगा, एओर्टा विल पम्प द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये एक पूरा जो है हर्ट फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये सीक्वेंस आप याद कर लें तो किस तरह जो है हर्ट फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है एंड देन इट इज़ पम्प टूवर्ड्स द होल बॉडी। एक्सेस वाटर इज फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू द हाइड्राथोट्स, सी ऑप्शन। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। ठीक है, जब भी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा उस प्रोसेस को हम गटेशन कहेंगे, वो हाइड्राथोट्स के थ्रू होती है और स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड लेंटिकल्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। तो ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ेंगे तीन मेथड, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पिक द ओड वन आउट। अब जो सेपरेट हो, जो बिल्कुल ओड हो या सबसे अलग हो, उसको हमें सेपरेट करना है। नेफ्रॉन होगा क्योंकि एओर्टा आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस, दे आर लिंक्ड टुगेदर, सो करेक्ट ऑप्शन होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी में होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स पिकिंग अप फॉरन बॉडीज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी, फेगोसाइटोसिस। अब वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं, तो फॉरेन बॉडी जो भी आती हैं उन्हें एंगल्फ करते हैं, उस प्रोसेस को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब आप इसकी एक डायग्राम देखें जो कि लास्ट ईयर एनटीएस में आई थी, वो बेसिकली डायग्राम इंटरनेट से उठाई गई थी, फेगोसाइटोसिस। अभी देखिए लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, ये वैक्यूल की फॉर्म में फेगोसोम बन रहा है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे फेगोसाइटोसिस। एज इट इज़ यही डायग्राम 2019 की एनटीएस की टेस्ट में आई है और ये डायग्राम गूगल से करके उठाई गई है इंटरनेट से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव सब्सटेंस इनवर्ड अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एटीपी यूज़ होगी, एक नीचे कंसंट्रेशन लो है, आप उस चीज़ को ऊपर भेज रहे हैं टूवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। फॉर सपोज घर पे मोटर लगी हुई है और आपको ऊपर टैंक में पानी फिल करना है, नीचे ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, आपको नीचे ऑलरेडी पानी कम है तो आपको ऊपर, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको ऊपर पानी भेजना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो इसलिए आप मोटर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल, आप हर चीज़ का अगर एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान होंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, 19 का क्या होगा बी। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स देखें बायकॉनकेव होते हैं, ठीक है, और नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं, ये दो चीज़ें आप याद रखें, दे आर द सर्कुलर प्लेट लाइक सेल्स, नॉन न्यूक्लियेटेड एंड बायकॉनकेव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ई, बोथ ए एंड बी। द पॉसिबल काजेज ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस आर हाइपरटेंशन, अ हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्टरियल डिजीज एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये सारे काजेज हो सकते हैं एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका ई होगा। इन अर्ली मॉर्निंग द वाटर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द टिप्स ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीफ मार्जिन ऑफ स्मॉल प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। तो 99 का क्या होगा बी होगा, गटेशन। अभी डिस्कस किया था पीछे भी एक एमसीक्यू इसी तरह का, तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब भी हो, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीफ पर, तो हम उस प्रोसेस को गटेशन कहेंगे, ठीक है, हाइड्राथोट्स के थ्रू जो होता है। द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन
सी अर्थ्रोपोड्स। देखिए एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप किस किस में मिलता है आप किस तरह याद रखेंगे, एक नेमोनिक है इसका ATM, एटीएम का नाम तो सुना होगा, ए फॉर अर्थ्रोपोड्स, टी फॉर ट्यूनिकेट्स, एम फॉर मोलस्कस। अब क्लोज के लिए भी एक नेमोनिक है वीका, VEC, वी फॉर वर्टिब्रेट्स, ई फॉर इकैनोड्रम्स, सी फॉर कॉर्डेट्स एंड ए फॉर एनलिट्स। वीका एंड ATM, ATM फॉर क्लोज्ड एंड वीका फॉर ओपन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। द स्टोमेटल पोर विल ओपन व्हेन द, अब स्टोमेटल पोर कब ओपन होंगे, अब ट्रगर प्रेशर क्या है, ट्रगर प्रेशर बेसिकली जो फ्लूड होता है वो अगेंस्ट द वाल एक प्रेशर एग्जर्ट करता है सेल्स में, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे, प्रेशर को ट्रगर प्रेशर कहेंगे। अब देखें ट्रगर प्रेशर को आप इस तरह याद रखें जैसे एक बलून है, आप एक बलून में वाटर फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बलून में वाटर फिल कर रहे हैं तो बलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। जैसे ही बलून इन्फ्लेट होगा तो वाटर का प्रेशर अगेंस्ट द वॉल एक्ट होगा, तो हम इस प्रेशर को कहेंगे ट्रगर प्रेशर। इसी तरह सेल्स में जब पानी जाता है तो अगेंस्ट द सेल वॉल एक प्रेशर एग्जर्ट होता है इन द प्लांट्स, तो हम उस प्रेशर को ट्रगर प्रेशर कहेंगे। तो ट्रगर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तभी स्टोमेटल पोर ओपन होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी, द ट्रगर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस एंड स्टोमेटल पोर विल ओपन। इस वीडियो में हमने टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रॉम द चैप्टर 14 ट्रांसपोर्टेशन। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।